प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द ही करनाल के घरौंडा क्षेत्र में 42 करोड़ की लागत से करवाए गए विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इन विकास कार्यों में कोहंड में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज, शहर का बस अड्डा और बस्ताड़ा में बनाया जा रहा महिला कॉलेज शामिल है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गांव कोहंड में 22 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी, घरौंडा शहर से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए बस अड्डे व बस्ताड़ा गांव में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे राजकीय महिला कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय में विकास कार्य पूरा करवाएं, ताकि समय रहते मुख्यमंत्री इन विकास कार्यों को जनता को सुपुर्द कर सके। कोहन में निर्माणाधीन आरओबी करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। ब्रिज का 80% कार्य पूरा हो चुका है। 31 मार्च तक यह आरओबी बनकर तैयार हो जाएगा। आरओबी की लंबाई करीब 600 मीटर है और यह आरओबी फोर लेन बनाया जा रहा है। अवैध कब्जों के कारण आरओबी का निर्माण कार्य रुका हुआ है। अवैध कब्जों के संदर्भ में डीसी ने बताया कि पिछले सप्ताह पहले आरओबी की जमीन पर अवैध कब्जों को हटवा दिया गया था। संज्ञान में आया है कि अभी भी 10-12 परिवारों ने अवैध कब्जे नहीं हटाए हैं। एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 3-4 दिन का अल्टीमेटम दे। यदि इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाया जाता है तो फोर्स लगाकर अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा। बस अड्डा करीब 1,68,00,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इस बस अड्डे पर यात्रियों के आने जाने, बैठने की सुविधा होगी। बसों के खड़े होने के लिए अलग से स्टैंड बनाए गए हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि यह बस अड्डा आधुनिक सुविधा अनुसार बनाया जाना चाहिए। पानी की निकासी का विशेष ध्यान रखा जाए। यह बस अड्डा जनवरी 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माणाधीन बस अड्डे की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को लेकर डीसी ने सवाल खड़े किए हैं। डीसी के मुताबिक फ्लाईओवर के आधार पर बस स्टैंड की एंट्री व एग्जिट सही नहीं है। इसको मॉडिफाई करवाया जाएगा, जिसके लिए 2 से 3 विभागों में आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है। उपायुक्त ने गांव बस्ताड़ा में बन रहे राजकीय महिला कॉलेज के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने कार्यकारी अभियंता से इस बारे में जानकारी ली और कहा कि यह कॉलेज 3 तलों का बनाया जाएगा। ये कॉलेज करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य अगस्त 2021 में पूरा हो जाएगा। कॉलेज में 21 क्लासरूम, लैब, 2 कंप्यूटर रूम, टॉयलेट, कैंटीन, मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा। इस कॉलेज का एरिया 9 एकड़ है। उपायुक्त ने एसडीएम डॉक्टर पूजा भारती को कहा है कि समय समय पर इस कार्य का निरीक्षण करते रहें। कहीं भी दिक्कत आती है तो उसका हल करें, ताकि समय पर यह विकास कार्य पूरा हो सके। घरौंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। जी सर, तो कैसे क्या कार्यक्रम विजिट का जो कार्य चल रहा है आज घरौंडा की? हमने 2-3 विकास कार्य हैं उनका निरीक्षण किया है। उसमें कोहंड में जो एक रेलवे और ब्रिज बन रहा है उसको कार्य भी देखा है, जो कि टेंटेटिवली मार्च में कंप्लीट होगा। इसके अलावा घरौंडा का जो मुख्य बस अड्डा है उसका कार्य भी काफ़ी प्रगति पे है, उसको भी देखा है। उसकी कोशिश करेंगे कि जनवरी माह में उसको कम्प्लीट करा के उसका उद्घाटन करा लिया जाए। इसके बाद बस्ताड़ा में अभी जो आईटीआई कॉलेज बनी है उसको भी देखने का प्रस्ताव है, तो यहाँ से जाने के बाद हम उसको भी देखेंगे। तो इन सभी विकास कार्यों का निरीक्षण किया, इनमें कोई जो छोटी मोटी कमियाँ थी उनको नोट कराया है और कोशिश करेंगे कि समय रहते उनको पूर्ण करा लिया जाए। तो आरओबी का कार्य जो है कब्जों के कारण रुका हुआ है, उसमें कहीं अभी भी रुकावट है? आरओबी में कुछ कब्जे तो हटा दिए गए थे, और जो मेरी संज्ञान में बात आई है कि 10-12 परिवारों के कब्जे अभी भी बचे हुए हैं। तो उसमें हमने यहाँ पे जो एसडीएम मैडम है उनको कहा है कि उन घर जो 10-12 घर हैं उनके लोगों को बुला करके उनको अल्टीमेटम 3-4 दिन का दे दिया जाए, और अगर उसमें वो फिर भी कब्जा नहीं हटाते हैं तो फिर हम फोर्स लगा करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा करके उनको तोड़वा देंगे। क्या जब बस अड्डे पूछे, अगर निरीक्षण आपने किया है यहाँ की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को, जो फ्लाई ओवर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रैफिक व्यवस्था के हिसाब से सही नहीं है? बिल्कुल, तो जो फ्लाई ओवर है इसके आधार पर इसको एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मॉडिफाई करवाएंगे। इसके लिए 2-3 विभागों से सामंजस्य की आवश्यकता है। उसमें नेशनल हाईवे, नगर पालिका और जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए हमने एसडीएम मैडम को कहा है ये सभी विभागों की मीटिंग लेकर के और अकॉर्डिंगली इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस किए जाने हैं वो करवा देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.